हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन बनता कैसे है। तो हम इसके स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो पहला आता है हाउ टू बिल्ड एनएलपी पाइपलाइन, जिसके टोटल 9 स्टेप्स है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरी चैनल शेयर कर दीजिए। तो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें टोटल 9 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं पाइपलाइन जनरेट करने के लिए, जिसमें पहला स्टेप है सेंटेंस टोकनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई पैराग्राफ दिया गया है तो हमें तो मालूम ही है कि पैराग्राफ में मिनिमम 5 या 6 सेंटेंस तो होते ही है, तो हमें वो एक एक सेंटेंस को अलग करके रखना होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस टोकनाइजेशन। दूसरा स्टेप है इसका वर्ड टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन मीन्स हमें एक सेंटेंस में जो 4 से 5 वर्ड्स दिए गए हो हम उसको अलग करते हैं। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जस्ट लाइक दिस इज अ गर्ल, ये हमारा एक सेंटेंस है, तो उसको हम वर्ड टोकनाइज कैसे उसमें अप्लाई करेंगे, तो दिस कोमा इज कोमा ए कोमा गर्ल, उसको बोलते हैं वर्ड टोकनाइजेशन। फिर आता है स्टेमिंग। स्टेमिंग में क्या होता है कि हमें कोई भी वर्ड दिया गया है तो हमें उसका ओरिजिनल फॉर्म निकालने की कोशिश करनी होती है, जैसे कि कंप्यूटर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स है, जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूट, कंप्यूटिंग, कंप्यूट्स, ये जो 4 अलग अलग वर्ड्स है इन चारों का हम अगर मेन फॉर्म निकालने की, रूट फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, COMPUT। ये जो हमें ओरिजिनल वर्ड मिला उसको हम स्टेमिंग कहेंगे। स्टेमिंग में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हमें जो ओरिजिनल फॉर्म मिलता है उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो ही, जैसे कि COMPUT इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, लेकिन स्टेमिंग में ऐसे ही वर्ड्स निकाले जाते हैं कि जिसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और दूसरा आता है लिमिटाइजेशन। लिमिटाइजेशन मतलब आस्क, आस्किंग, आस्क द, वो जो अलग अलग वर्ड्स है उसका अगर हम ओरिजिनल फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको ओरिजिनल वर्ड क्या मिलेगा, आस्क, ASK। तो ये जो हमारा आस्क वर्ड है उसका मीनिंग निकलता है कि आस्क मतलब किसी से हम पूछ रहे हैं, पूछना, तो उसको बोलते हैं लिमिटाइजेशन। लिमिटाइजेशन में जो ओरिजिनल वर्ड का फॉर्म मिलता है उसका पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। देन आता है आइडेंटिफाइंग स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड उसको बोलते हैं कि जो हमारे हर सेंटेंस में रिपीट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि MERTHE the, ये जो वर्ड्स है उसका हम स्टॉप वर्ड्स कह सकते हैं। देन आता है डिपेंडेंसी पार्सिंग, मतलब कि एक सेंटेंस में कोई वर्ड दूसरे वर्ड्स पर कितना डिपेंडेंट है, मतलब इसका एग्जांपल देती हूँ, दिस और इज, ये जो वर्ड्स है वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से कुछ जुड़े हुए हैं कि दिस के बाद इज आएगा ही, तो इज है इसके पहले शायद दिस हो सके, तो इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी पार्सिंग। देन आता है POS टैगिंग। POS टैगिंग किसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, मतलब कि हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से नाउन कौन से है, प्रोनाउन कौन से है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं POS टैगिंग। फिर आता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। इसमें हमें नेम कौन कौन से तरह के हो सकते हैं उसको हमें क्लासिफाई करना होता है, जैसे कि कोई इंसान का नाम, कोई किसी फ्रूट वेजिटेबल या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ों का नाम, कोई कंट्री का नाम, कोई सिटी का नाम। फिर आता है कोई जो पर्टिकुलर इंसान हो जो बहुत ही फेमस हो वैसे नाम, तो इसको हम नेम एंटिटी रिकॉग्निशन कहेंगे। और उसका लास्ट स्टेप आता है पाइपलाइन का चकिंग। चकिंग का मतलब ये है कि हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा होगा इस सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, उसको हम कोई रेगुलर डेटा बनाएंगे, तो उसको सेंटेंस फॉर्म में होगा या फिर पैराग्राफ फॉर्म में होगा, तो उसको हम बोलते हैं चगिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।